गाइस, हमारा आज का टॉपिक है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, जिसकी राइटर हैं हार्पर ली। इस नॉवेल के तीन मेन कैरेक्टर हैं। पहले हैं एटिकस फिंच, जो कि बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। उनकी एक 6 साल की बेटी स्कॉट फिंच और 10 साल का बेटा जैम फिंच। ये जो नॉवेल है वो 1960 में लिखी गई है, बट उसका जो प्लॉट सेट है वो 1930 में हुआ था, जो कि मैकॉम में हुआ था, एलाबामा में। इस नॉवेल के नरेटर स्कॉट फिंच हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन जब वो 6 साल की थीं और उस टाइम पे जो इंसिडेंस हुआ उनकी लाइफ में, उसके बेसिस पे उन्होंने ये नॉवेल लिखी है। उस टाइम पे जो बहुत सारे लोग थे मैकॉम के, वो रेसिस्ट थे। रेसिस्ट मीन्स वो डिस्क्रिमिनेट करते थे पीपल्स को बाय देयर स्किन कलर। लाइक उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, या पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हाफ जो थे वो ब्लैक थे और हाफ जो थे वो वाइट थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, एक टॉम रॉबिन्सन नाम का एक ब्लैक मैन था, जिस पे एक एलिगेशन लगी कि उसने एक वाइट वुमेन का रेप कर दिया। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो गलत बात थी। इसलिए जो एटिकस फिंच थे उन्होंने उसका केस लड़ने के लिए हामी भर दी कि लाइक ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो जो विमेन थी जिसका रेप हुआ था, उनका नाम था मेयला एविल। एटिकस जो थे वो, उनको मालूम था कि उनके मतलब बहुत कम चांसेस हैं केस जीतने के, लेकिन फिर भी वो सच के लिए खड़े हुए और उन्होंने वो केस अपने हाथ में लिया। जो रीडर्स हैं इस नॉवेल के, वो ये सारा जो मैटर है वो एक चाइल्ड के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, एक बच्चे की नज़र से देख रहे हैं। और उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब इन केसेस की वजह से जो जैम थे और स्कॉट फिंच थी, उन्होंने मतलब जो उनके फादर ने किया, उन्होंने उन बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी लेसन सीखने को मिले अबाउट टॉलरेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ये जो नॉवेल है इसके जो सेंटर है, जो यानी कि जो हीरो हैं, वो हमारे एटिकस फिंच हैं, जिन्होंने टॉम रॉबिन्सन को इनोसेंस प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश की। डिल जो थे वो जैम और स्कॉट फिंच के फ्रेंड थे, जो अभी अभी मैकॉम आए थे, और स्कॉट फिंच ने तभी स्कूल जाना भी स्टार्ट किया था, और बट उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके पड़ोस में एक आदमी रहता था स्कॉट फिंच के, उसका नाम था बू रेडली। वो बहुत अजीब सा आदमी था, मतलब उसे लोगों से बात करना, सोशलाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये बच्चे जो थे वो इनको उसको तंग करना बहुत पसंद था। जो बू रेडली था, उसके गार्डन में एक ओक ट्री था। उस ओक ट्री के होल में से बच्चों को गिफ्ट मिलना स्टार्ट हो गए और वो लोग वो गिफ्ट्स लेते गए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो होल जो था वो सीमेंट के थ्रू भर दिया गया, जिससे बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बू रेडली को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, और इतना परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि वो लोग फुल एफर्ट्स दे रहे थे कि वो बंदा घर छोड़ के ही चला जाए। देन आफ्टरवर्ड्स, हाँ, उस टाइम पे और भी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि मैकॉम में काफ़ी टाइम के बाद स्नोफॉल हुई, जो मिस मैंटेन थी उनके घर में आग लग गई, और बच्चे जो थे वो शॉक्ड हो गए ये देख के कि एटिकस जो हैं वो एक मैड डॉग को शूट कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें मालूम ही था कि मैकॉम के बहुत से लोग जो थे वो रेसिस्ट थे, उसी में से एक थी मिसेस डुबॉस। तो जैसे जैम उनके यहाँ गया तो उन्होंने उसको टीस करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे पापा तो बहुत ख़राब हैं और वो ब्लैक मैन का केस लड़ रहे हैं और वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो अब वो आउटसाइडर हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, जिससे जैम जो था वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी गार्डन के जो वाइट कैमिलियस थी, वाइट फ्लावर्स जो थे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। बट जैसे ये बात एटिकस को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा करते हैं उस पर और बोलते हैं कि तुम जाओ, एज अ पनिशमेंट तुम्हें मिस डुबॉस को, मिसेस डुबॉस के लिए बुक रीड करना होगी। मिसेस डुबॉस जो हैं वो एक ओल्ड लेडी हैं, जो काफ़ी बीमार हैं और रोज़ाना वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही हैं। तो एटिकस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रियल हीरो हैं। एटिकस जो हैं
वो जो हैं कि जो प्रिजन सेल थी उसके बाहर जाके खड़े हो जाते हैं टॉम रॉबिन्सन की, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी वो उनको मारने आ रही है, और वो बीच में खड़े हुए हैं उसको डिफेंड करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या होता है, एक फाइनल डे आता है जिस दिन हमारा ट्रायल है, यानी हमारे जो कोर्ट में जो फैसला आने वाला है उस दिन का बात है। उस दिन क्या होता है, जबकि टॉम जो है वो इनोसेंट है बट उनको गिल्टी करार दिया जाता है, और एटिकस कुछ नहीं कर पाते अपनी जान बचाने के लिए या अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए। टॉम जो है वो जेल से भागते हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है बिकॉज़ पुलिस वाले उनको शूट कर देते हैं। और मेबले टाइम्स की ये एक हेडलाइन होती है दैट टॉम ट्राइज टू स्केप एंड शूट डेथ, यानी कि शूट कर दिए गए और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस पूरे इंसिडेंस के बाद क्या होता है, बॉब इविल जो है जो कि मेबेला इविल के फादर हैं, वो अटैक करते हैं जैम और स्कॉट फिंच को, बट बू रेडली उन्हें प्रोटेक्ट करता है और जाके बॉब इविल को मार डालता है। यहाँ पे ये नॉवेल ख़त्म होती है। अब हम से एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि इस नॉवेल का नाम टू किल अ मॉकिंग बर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ मॉकिंग बर्ड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो मॉकिंग बर्ड जो है वो एक छोटी सी बर्ड होती है जो सिर्फ गाना गाती है ताकि हम इंसानों को वो गाना अच्छा लगे, हमारे कानों को वो अच्छा लगे। वो हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती, वो हमारे फार्म्स में हमारी फील्ड्स में कुछ नहीं करती, वो मतलब किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए उसको मारना सिन करार दिया गया है कि हम उसे मारेंगे तो वो गुनाह है। उसी तरीक़े से टॉम जो थे वो मेविला इविल के फ्रेंड थे, और बिना किसी गलती के उस इनोसेंट आदमी को मार दिया जाता है जो कि एक सिन है। बस यहीं पे हमारी नॉवेल ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।